हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू बोस्टिफाई चैनल। मैं निशा गुप्ता आज फिर आपके लिए लाई हूँ एक और रेसिपी। आज मैं आपके सामने पास्ता बनाने जा रही हूँ, पर इंडियन ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देसी स्टाइल पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो प्योरी, लहसुन, हरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मैगी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पत्ता, कॉर्न, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटो केचप और नमक। देसी स्टाइल पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमें पास्ता को बॉईल करना है। उसके लिए एक कढ़ाई लें और उसमें आधा लीटर पानी डालें। इसमें आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। अब हम इसमें 100 ग्राम पास्ता डालेंगे और इसे ढककर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे 10 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे। बीच में एक बार ढक्कन हटाकर पास्ता चेक कर लें। इसे नाइफ से कट करके चेक करें। हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। अब इसे छान लें और ठंडा पानी डालकर एक बार निकाल लें। और ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है ये। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप पर। एक कढ़ाई लें और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। तेल गरम होने दें और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 7-8 चॉप्ड लहसुन की कलियां और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। इसे 2-3 मिनट तक भूनें। अब प्याज डालें और थोड़ी देर तक चलाएं। उसके बाद सारी बची हुई सब्जियां जैसे गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न और टमाटर डाल दें। सब्जियों को अच्छे से स्टर करें। थोड़ी देर स्टिर करने के बाद इसमें टमाटो प्योरी डालें और मिक्स करें। हम इसे 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सभी सब्जियां अच्छे से पक जाएं। अब ढक्कन हटाएं और देखिए हमारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। इसे हल्का सा स्टिर करें। अब आती है हमारे पास्ता को टेस्टी बनाने की बारी, यानी मसालों की बारी। तो मसालों में सबसे पहले आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 पैकेट मैगी मसाला डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर 2 चम्मच केचप और 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस डालें और चलाएं। इसमें थोड़ा पानी मिक्स करें और 2-3 मिनट के लिए ढक दें। अब ढक्कन हटाएं और इसमें हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता डाल दें। स्वाद अनुसार नमक और धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स करें और बस इसी के साथ हमारा पास्ता तैयार है। इसे खाएं, खिलाएं और एंजॉय करें। तो ये था आज का हमारा इंडियन स्टाइल पास्ता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हाँ, कमेंट्स में अपने व्यूज भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।